रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात। अहमद अवैस एक बार फिर से एक मज़ेदार व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। आज यहाँ मीडा रिज़ोर्ट का एक कंप्लीट रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लोग कल यहाँ पे पहुँच गए थे। तो अभी सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश हो के तो अभी चलते हैं मेन लोकेशन की तरफ। तो वहाँ जाके इस रिज़ोर्ट के बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ जी तैयब भाई हैं अभी, और हमें यहाँ पे ये सामने जो बिल्डिंग है यहाँ पे रूम मिला था, ये सेकंड फ्लोर पे ये वाला रूम है। तो अभी उस तरफ को चलते हैं, ये इस रिज़ोर्ट में साइड पे करके एंड पे करके ये वाली बिल्डिंग है छोटी सी, और वो सामने भी है और उस तरफ भी है। तो चलिए रिवर साइड पे चलते हैं। इस रिज़ोर्ट का जो असल व्यू है वो रिवर साइड पे ही है। ये है जी बिल्डिंग, मैं आपको दिखा दूँ। हमारा हमें जो रूम मिला है वो इस तरफ है। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने रूम देख लिया होगा, ये यहाँ पे है ऊपर में। ये इस तरफ पार्किंग एरिया है, और इधर इस तरफ कैफ़े है सामने, और ये है लॉबी। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने छोटे छोटे पिक्चर्स के लिए स्पॉट्स बनाए हुए हैं, जैसा कि ये है। रात को आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में, इसमें काफ़ी लाइटिंग थी और सही एक अच्छा व्यू दे रहा था। अभी तो सामने लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा मीडा रिज़ोर्ट। एक बिल्डिंग ये सामने है, और इस तरफ भी पूल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इन दो बिल्डिंग के सामने ये वाला पूल है, और जो उस तरफ बिल्डिंग है बैक साइड पे बड़ी जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी एक पूल है, वो बड़ा पूल है। ये बच्चों के लिए है, वो बड़ों के लिए है। एक बिल्डिंग वो सामने भी है। ये सामने वाला कैफ़े है, और ये इस तरफ लॉबी है, और जो रिवर है वो ये सामने वाली साइड पे है। रात को हम लोग वहाँ पे गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा था रात के टाइम में। अभी दिन के टाइम भी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। सबसे जो बेस्ट व्यू है वो शाम को होता है सनसेट के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे जो हल्की हल्की रोशनी होती है और अंधेरा हो रहा है, तब बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पे। तो ये कैफेटेरिया का जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये वाली है, और वहाँ से उस तरफ किचन है। जनाब इस रिज़ोर्ट की जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है, रिवर रोमांस रेस्टोरेंट।
जी जनाब, अभी इस तरफ चलते हैं। ये रिवर रोमांस जो रेस्टोरेंट है, मेन जो अट्रैक्शन है इस रिज़ोर्ट की है वो यहीं पे है। तो नीचे जाके खूबसूरत सा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें तैयब भाई व्लॉगिंग करते हुए, कभी कभी व्लॉग बना लेते हैं तैयब भाई कोई अच्छी लोकेशन हो तो। चलिए जनाब अब नीचे की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे ये इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ, बिल्कुल वो सामने देख रहे हैं आप, दरिया है और उसके साथ ही यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट है। ये दरख्तों के पीछे कितना खूबसूरत ये पहाड़ लग रहा है, हल्की हल्की सी धुंध इस पे आई हुई है। और यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ जो मैंने आपको रात को भी दिखाई थी, ये सब एक कैंपिंग टाइप एरिया है। ये हैं रूम्स ही लेकिन टेम्परेरी नहीं है, इन्होंने फिक्स ही कैंपिंग की हुई है, अंदर एसी वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी रूम अवेलेबल होते हैं अगर आप इस रिज़ोर्ट में आएँ और दरिया के किनारे आप इंजॉय करना चाहते हैं इस खूबसूरत नेचर को। और ये वाला जो माहौल है पूरा, हाँ बड़ी लाइटिंग वाइटिंग होती है रात के टाइम, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये यहाँ पे कैंप टाइप जो रूम बना हुआ है यहाँ पर रूम लें और फुल इंजॉय करें। ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो जो रूम की प्राइस है वो 1500 तक है, डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट है, 1300, 1500, 1400। और ये जो कैंप बने हुए हैं इस, ये भी 1200 तक इसकी प्राइस है। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक वाटर फाउंटेन है, जो अभी पता नहीं क्यों इन्होंने स्टॉप किया हुआ है इसको, ऊपर से पानी बहता ऐसे नीचे आता है ये वाली साइड से। ये एक कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ। रात के टाइम यहाँ पे लाइटिंग होती है और ये नीचे देसी टाइप जो इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है रेस्टोरेंट की, कितनी खूबसूरत लगती है ये। ये जो कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे, पास से जाके दिखाता हूँ आपको इनका साइज़। ये बेसिकली एक जो छोटा रूम होता है उस साइज़ के कैंप हैं ये, अंदर बेड लगा होता है। और रात के टाइम यहाँ पे बोलने की शोर करने की इजाज़त नहीं है 10 बजे के बाद। ये देखें ये एसी का आउटर लगा हुआ है। ये इधर यहाँ पे झूला भी है। जी जनाब ये लोकेशन तो एकदम बिल्कुल जो सिटी है उससे बिल्कुल साइड पे करके है और बिल्कुल जंगलों के अंदर, लेकिन टूरिस्ट जो हैं वो ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं और इस तरह के जो रिज़ोर्ट हैं वो सर्च करके बकायदा प्लान बना के यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको ये
नेचुरल प्लेसेस और इस तरह का जो एक सुकून वाला माहौल है बहुत ही पसंद है। और एक्चुअली यहाँ पे अगर आप आके रहते हैं इस तरह के नेचर वाले माहौल में जो नेचुरल है, तो यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और टूरिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, वो सामने आप देख रहे हैं। ये देखें जनाब कितने मज़े का है कि इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है पिक्चर के लिए। उस तरफ से आप जाके यहाँ पे ऊपर बैठे हैं या खड़े हैं और यहाँ से पिक्चर लें। ये पूरा रेस्टोरेंट का एरिया देखें, यहाँ पे जब सीज़न होता है और स्पेशली वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी रश होता है। ये जो इन्होंने कवर किया हुआ, ये यहाँ पे नीचे बैठ के एक देसी माहौल में लोग बैठ के यहाँ पे खाना खाते हैं और इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हैं। तो रात के टाइम इसको कवर कर देते हैं बारिश वगैरह ना हो। जब हम ये लोकेशन देखने आए थे तब ये जो दरिया है ये बह रहा था, तो एक्चुअली ये जो पानी है ये पीछे डैम से आ रहा है। तो जब वो डैम का पानी खोलते हैं तो तब ये काफ़ी स्पीड से बहता है। मैं अभी देख रहा था, ये सामने वाली लोकेशन बहुत खूबसूरत लग रही है। अब उस तरफ भी कौन सा रिजॉर्ट है ये तो नहीं पता, लेकिन ये सामने वाला व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जी ख़वातीनो हज़रात, ये जो पीछे आप एक खूबसूरत तरीन नेचुरल व्यू देख रहे हैं ये इस रिज़ोर्ट की मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पे बैक पे रेस्टोरेंट है और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाई हुई है बहुत ही खूबसूरत है। और ये जंगल और यहाँ की खामोशी, परिंदों की चहचहाहट, सुभान अल्लाह यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये। जनाब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो पानी है ये पीछे डैम से आ रहा है, तो इस टाइम ये बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है। नॉर्मली जब यहाँ पे बारिशों का सीज़न होता है तो ये दरिया ऊपर तक फुल होता है और पीछे से डैम का पानी भी छोड़ते हैं, और इसका जो बहाव है बारिशों के मौसम में तब देखने वाला होता है। जनाब इस खूबसूरत तरीन लोकेशन पे मेरे पार्टनर हैं तैयब भाई, तो तैयब भाई से यहाँ का रिव्यू ले लेते हैं। बेहतरीन रिज़ॉर्ट, बहुत खूबसूरत। वो लोग जो कि नेचुरल ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं या एडवेंचर का शौक़ रखने वाले, जो पहाड़ों में जंगलात में रहने का और टेंट में जो है ना वो रहने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेस है। इसके साथ साथ नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर ऐसी है, व्यू ऐसा है कि जैसे कोई जन्नत है। आप देखें रिवर है, साथ में माउंटेन्स हैं, और इस रिज़ॉर्ट को भी इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया है। इसमें फ्लावर्स और डेकोरेशन इसकी ऐसी की है कि वाकई ही समझ लें कि पैसे पूरे हो जाते हैं। अगर आपका कोई ख़र्चा हुआ है तो वो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि अगर थाईलैंड आएँ और कांचनापुरी की सैर को या थाईलैंड की कोई अच्छी जगहें देखने का अगर आपका मूड है, तो ये कांचनापुरी में मीडा रिज़ॉर्ट ज़रूर आएँ और यहाँ पर आके इस खूबसूरत और पुरसकून माहौल का मज़ा लें। बहुत ज़बरदस्त जगह। वाह भाई साहब, क्या ज़बरदस्त आपने रिकमेंडेशन दी है इस खूबसूरत रिज़ॉर्ट की। ये सामने टेंट लगे हुए हैं, इनकी बात हो रही थी।
भाई साहब चलें अब आगे, इधर सीधे रास्ते से जाएं या तैर के जाएं? तैर के जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे तैरने की ज़रूरत नहीं है, बस पहुँचे ऊपर करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी जगह आज पानी का जो है ना वो बहाव बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वहाँ पे अगर आप जाएं तो आप तकरीबन आधा जो है नहीं, एक्चुअली पता क्या है, ये ऊपर से लग रहा है कि गहरा नहीं है, गहरा नहीं, लेकिन ये कम अज़ कम भी 5-6 फुट तो होगा, बीच बीच में भी दरमियान में कम है, लेकिन यहाँ आप देखें कि कितना साफ पानी है कि नीचे ज़मीन नज़र आ रही है, पत्थर इसमें कितने हैं वो गिनकर बता सकते हैं और क्या कुछ अंदर पड़ा है वो नज़र एग्जैक्टली ये देखें, दरमियान में से भी ये ज़मीन नज़र आ रही है, बहुत साफ़ सुथरा पानी। चलो भाई फिर चलते हैं आगे की तरफ, और क्योंकि ये चलता हुआ पानी है तो ये तो साफ़ सुथरा होगा और ये तो बिल्कुल पी सकते हैं। हाँ पिया भी जा सकता है, ये जगह देखिए ना, तो यहाँ के स्टाफ से या लॉबी से अगर अच्छी बात हुई ना तो इसका टेंटों का रेट लेना है। ये मीडा लिखा हुआ आप मिल गया इसका चार्ट कहाँ पे? ये सामने पत्ते घाट। हाँ मैंने गौर नहीं किया, ये जो लिखा ना MIDA इस रिजॉर्ट का नाम है। अभी जी हम जा रहे हैं वो उस तरफ, ऊपर से भी रास्ता है लेकिन क्यों घूम के जाना, हम यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं। हाँ ये सामने जो आप टेंट देख रहे हैं, आज IT का जो फंक्शन है वो यहाँ पे होगा, और ये ऊपर सामने लंच इधर है जी। ख़वातीन हज़रात मैं ये वाले रूम्स का आपको बता रहा था, ये वाली बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बनी है। अभी जिस मौसम में मतलब बारिश हो रही होती है, ठीक मूसलाधार बारिश, तो यहाँ पे इसके नीचे बैठ के ये वाला व्यू देखने का बहुत ही स्वाद आता है। मैंने देखा तो नहीं है लेकिन एक दो वीडियोस में उन्होंने दिखाया था, यहाँ की जो रिजॉर्ट की वीडियोस हैं उसमें देख रहा था, बहुत खूबसूरत है ये। अब जस्ट इमेजिन करें काले काले बादल आए हों और ये सामने ये पहाड़ और ये जंगल और ये दरिया, सुभान अल्लाह। ये स्पॉट जो आप देख रहे हैं ये छोटा है, और वो रेस्टोरेंट वाली साइड जो उस तरफ है वो वाला जो एरिया है वो बड़ा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए जनाब यहाँ से चलते हैं नीचे। नो स्विमिंग डेंजर। डेंजर इसलिए नहीं है कि पानी ज़्यादा होता है, ये देख रहे हैं आप पानी यहाँ ऊपर तक आता है। डेंजर इसलिए है कि पानी में दलदल होती है, एक बार अंदर बंदा फंस जाए तो फिर जितनी मर्जी कोशिश कर ले नहीं निकलता, स्पेशली पानी के अंदर। ये देखें यहाँ पे ये नेट भी लगा हुआ है, इसके ऊपर भी आप लेट सकते हैं, नीचे पानी तो नहीं है लेकिन जब पानी होता है तो मज़े का लगता है ये वाला सीन।
ये इन्होंने जो सोफ़ा टाइप ये बेड हैं, सोफ़ा कह लें बेड कह लें, यहाँ पे आराम से लेटें और इस खूबसूरत नेचर को एंजॉय करें। ये देखें जी, ये पानी में जो दरख्तों का अक्स पड़ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जनाब, ये देखें, वो एक मशीन जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सी बनी हुई है, ये बंदा जा रहा है, ये घास काट रहा है और देखें कितने मज़े की कटिंग हुई है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं इस रिज़ोर्ट में, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है क्योंकि जो मेन अट्रैक्शन है इस रिज़ोर्ट की ये वाला पार्ट है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ये जनाब आईटी का सेटअप थोड़ा सा पहले लगा हुआ था और अभी इनका डीजे आ गया, यहाँ पे पूरा साउंड सिस्टम लगेगा। चलें भाई ऊपर, अभी वो सामने ब्रेकफास्ट करते हैं। ये जो रास्ता है ये वाला, ये हमको सीधा ऊपर जो ब्रेकफास्ट हॉल है वहाँ पर लेके जाएगा। भाई साहब भूख लग गई आपको? अभी ब्रेकफास्ट करना है या पढ़ना है? ये जी यहाँ का स्विमिंग पूल है और इसके साथ ही ये ब्रेकफास्ट हॉल है। कल हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे लगेगा और आज जो लंच है वो यहाँ पे अंदर, जहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट लगा हुआ है इसी जगह पे होगा। ये है जी ब्रेकफास्ट हॉल, ये जी कुछ लाइव स्टेशन हैं, ये आई थिंक ऑमलेट है। व्हाट इज दिस? ओके, यहाँ पे नूडल्स हैं। चलें जी पहले मेन्यू देख लेते हैं, है क्या मेन्यू में। इस तरफ ये सैलड लगा हुआ है और ये पूरा सैलड ही है, ये कॉर्नफ्लेक्स मिल्क वगैरह, और यहाँ पे ये वाटरमेलन है, और ये यहाँ पे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको वो क्या खरबूजा बोलते हैं। टी, कॉफ़ी, हॉट मिल्क, एवरीथिंग इज़ हियर। और क्या है मेन्यू में, जैस्मिन राइस है और ये यहाँ पे फ्राइड राइस है। ये मिक्स वेजिटेबल है और ये हैं चिकन सॉसेजेस, ये हैम है, ये मैक्रोनी, बेक बीन्स, और यहाँ पे सूप है, और ये थोड़ी सी बेकरी की आइटम्स हैं। तो हम तो हल्का फुल्का ही करेंगे भाई। हाँ लो, दो दो पीस ले लो। तो मैं यहाँ पे ये ब्रेड थोड़ी गर्म कर लेता हूँ। ले लो ले लो, ब्रेड मैंने इसमें डाली, एकदम मस्त गर्म होके क्रिस्पी होके आ जाएगी भाई। इसके साथ में जैम है, ऑरेंज वाली है, स्ट्रॉबेरी वाली है, और ये बटर है।
जी ब्रेकफास्ट का थोड़ा हम ले आए हैं सब कुछ जो हमें पसंद आया। इधर ये वेज फ्राइड राइस है, ये ब्रेड और जैम है, ये चिकन सॉसेजेस हैं, थोड़े से फ्रूट्स हैं, ऑरेंज जूस है और ये केक टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप आप सबको आज का ये खूबसूरत तरीन व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल अहमद वैस व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अहमद वैस को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।